Nowadays, death has become rebirth of humanity. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सहज सबरवाल है और आज मैं आप सभी के सामने इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो मैंने आपको बताया अभी, ह्यूमैनिटी के ऊपर। मतलब आजकल आप जैसे देख रहे हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जैसे डेथ हुई, तो उसके बाद से लोगों की आंखें खुल गई कि मतलब ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब उसकी डेथ क्या जरूरी है कि मतलब डेथ होगी तभी पता चलेगा कि ऐसा हो, मतलब ह्यूमैनिटी जागेगी हमारे में। ऐसे हम सभी को पता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, तो उसकी आवाज़ कब उठाते हैं लोग, जब वो बंदा ना रहे। फिर क्या फ़ायदा? वैसे फ़ायदा भी है, मतलब आगे जाके इससे हमें आगे के लिए प्रेरणा मिलती है कि हम आगे ऐसा ना करें और उससे पहले ही संभल जाएं। लेकिन हमारी ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज होती रहती है हर टाइम। और कब बढ़ती है? जब किसी के साथ बुरा हो, तब हमारी थोड़ी सी आंखें खुलती हैं कि ये इसके साथ बुरा हो रहा है, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो तभी अब मतलब अपने लिए मतलब ही है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। हम इस बारे में पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। अब जैसे नेपोटिज्म हम देख रहे हैं जो बॉलीवुड में हो रहा है, और भी काफ़ी जगहों पे हो रहा है। जैसे हम ऑफिस वगैरह देख लें, कहीं पर भी देख लें, आजकल वो हो रहा है। आज तक उससे पहले मतलब आधे ज़्यादा लोगों ने तो नेपोटिज्म का नाम भी नहीं सुना था। आंखें कब खुली? जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उस केस के बाद ही सभी लोग जाग गए, एक तरह से नींद खुली सभी की। क्या ये सब कुछ जरूरी है कि मतलब ऐसा बुरा हो एक बंदे के साथ, उसके बाद सभी लोगों को समझ आए? कईयों को तो नेपोटिज्म का मतलब भी नहीं पता था कि मतलब ये क्या होता है, कि जैसे नेपोटिज्म क्या होता है कि मतलब ये एक बंदे को किसी प्रेफर करते हैं जो मतलब हमारे रिश्तेदार हैं, या फिर हम उसको अच्छे जानते हैं, फैमिली रिलेशन में हैं। हम मतलब टैलेंट को हम प्रमोट नहीं कर रहे, हम बस उस बंदे को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब एक तरह से रिश्वत टाइप हुआ कि मतलब हमने अपने ही बंदे को आगे बढ़ाना है, बाकियों चाहे टैलेंट जाए बाढ़ में। ये चीज़ कर रहे हैं हम आजकल। इसलिए तो हमारा जो इकनॉमी है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्यों आ रही है, इसी वजह तो आ रही है। अगर हम किसी टैलेंट जो मतलब मेहनत करता है, मेहनत करने वाले को आजकल कोई देख ही नहीं रहा, देख उसको रहे हैं जिसका मतलब रीच पहुंचो किसी की कहीं तक कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे मामू का लड़का जो है वो इस ऑफिस में लगा हुआ है, तो ये मेरे को लगवा देगा वहाँ पे। ये गलत बात है बहुत। इससे जो मतलब जो मेहनत करके इतना ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह पास करके बड़ी मेहनत करता है, उसको डिसक्वालीफाई कर देते हैं। और क्वालिफाई किसको करते हैं? जो मतलब उनके रिलेशंस में हो। ये बहुत ही बुरी बात है। इससे मतलब एक तरह से ऐसा हो रहा है कि मतलब जिसको कुछ आता नहीं है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसको सब कुछ आता है, मतलब जो इसके बारे में पूरी नॉलेज है, उसको पूरी समझ है, उसको कुछ भी जगह ही नहीं मिल रही उसको। और ये सब क्यों कैसे उठा? जब ये बात हुई सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद हुआ ऐसा। उससे पहले तो मतलब आधे ज़्यादा लोग, मैंने पूछा, वो लोग बोलते कि हमें नेपोटिज्म पता ही नहीं क्या होता है। लेकिन जब जैसे ही ये दिन हुआ, उसके बाद से लोगों ने देखा न्यूज़ में हर जगह यही आ रहा है, नेपोटिज्म। आधे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया गूगल पे कि क्या होता है ये। उसके बाद लोगों को समझ आई, अच्छा ये हो रहा है। तो उसके बाद से अब लोग थोड़े समझदार हुए हैं। तो यही था मेरा कोट, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। और साथ में ह्यूमैनिटी हमें हर टाइम रखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी की डेथ हो तब जाके हमारी ह्यूमैनिटी वापस आए। इंसानियत हमारे नाम की चीज़ हमारे में होनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। हमें जानवर जैसा ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यही मेरा कोट था। नाउ अ डेज